हाउ डू यू गेट द आइडिया अबाउट अ स्टॉक? आपका आइडिएशन कैसे होता है? सी सम फंड मैनेजर्स दे यूज स्क्रीनर्स, दे यूज डी ब्रोकर पॉक्स और दे आर हैविंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल. आपको आइडिया कैसे आता है? सपने में आता है कैसे आता है? नहीं, मैं सपने देखता हूँ और प्रॉब्लम इतना है कि मैं दिन में सपने देखता हूँ और मेरा सपने ये बोलना है कि सपने खूब देखे जाए तो सपने सच होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक बार बोलते हैं. तो सपने देखना छोड़ दे जाएंगे कोई कुछ भी बोले. और जहाँ तक आइडिया का सवाल है दीपेन भाई, ऐसा है कि अभी मैं तो इन्वेस्टर हूँ, अभी मैं कोई खदान में जाकर कोई हल तो जोत नहीं रहा हूँ या मैं कुछ खोद तो नहीं रहा हूँ या फील्ड में कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ. एयर कंडीशन कैबिन में बैठा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ. तो जैसे बचपन में हम लोगों को देखते थे ना, मैजिशियन आता था मैजिक शो कर रहा है, फिर जाकर पानी निकालेगा, बोलेगा मैजिक ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया, तो हवा से पैसा डिजिटल हवा से पैसा पैदा हो रहा है. तो हम एज एन इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड, हवा से ही पैसा पैदा करता है ना, कुछ काम नहीं करते, व्हाट आई मीन टू से दिमागी कसरत हो रही है. तो मेरा बोलने का मतलब ये, तो मेरा सिर्फ काम किया लाइफ में, तो मेरा काम है खाली सोचना. देखो किताबें जो आप बात कर रहे थे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और मार्केट विजर्ड, ये विजर्ड वो विजर्ड, ये किताबें 10 करोड़ आदमी ने पढ़ी होगी या 50-10 लाख आदमी ने पढ़ी होगी, लेकिन हर आदमी उसका अलग अलग अर्थ निकालता है. हम लोगों ने सबने अल्फाबेट्स बचपन में पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने सेंटेंस बनाना चालू किया, तो सब अपनी अपनी बुद्धि से बाद में अपने अनुभव से शब्द बनाते हैं. पहले 3 अक्षर का बनाते होंगे, अब बाद में वो शशि थरूर को बनाओगे तो 152 अक्षर का बनाते होंगे. तो ये जो वर्ड जो बनाना है या जो आप सेंटेंस जो बनाते हो, ये आपका दिमाग का खेल है. तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, तो मेरे पास काम क्या है? मेरे पास काम खाली सोचना, मेरा यही रॉ मटेरियल है और यही मेरा होमवर्क है. तो मैं दिन भर सोचते रहता हूं और मैं 24/7 मैं बोल सकता हूं कि मैं डेडिकेटेड हूं मेरे इन्वेस्टमेंट का, जो मेरा ये विषय जो है मेरा, मैं इसमें 24/7 में यही काम करता हूं. मैं हर समय मेरे दिमाग में यही कुछ घूमते रहता है कि कहां से क्या मैं समझ रहा हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो मैं देख रहा हूं उसको हर चीज को मैं डॉट मिलाने की चेष्टा करता हूं, अल्टीमेटली कोई आइडिया नहीं, चाहे मैं कहीं भी हूं. तो मेरा काम है दिन भर, जब मैं अगर यही काम है तो मेरा दिन भर काम है देखना और पढ़ना, चाहे न्यूज़ हो या इंफॉर्मेशन हो, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली या किसी भी तरीके का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और मेनली इंडिया के अंदर भी कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है. और जैसे मेरा कोट भी है कि स्टे इन्वेस्टेड इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट. तो हर समय मेरे दिमाग में रहता कि अभी अभी सुन, अभी अभी तो गाली भी जाती हिंदी में तो मैं सिर्फ आगे क्या होने वाला है. तो अपना दिमाग दिन भर यही रहता है. तो वो इसी वक्त मैं न्यूज पढ़ते रहता हूँ, इंटरव्यू देखते रहता हूँ मैनेजमेंट वगैरह के, कि एक आदमी अगर अगर बोल रहा है कि हाँ ये समझो मेरी सीमेंट इंडस्ट्री में मेरा अच्छा कर रहा है, दूसरा मैनेजमेंट क्या होता है, तीसरा क्या बोलता है, 12वां क्या बोल रहा है, उसी को खाली मैं सुनते रहता हूँ, उसी पर ध्यान देता रहता हूँ, उससे एक आइडिया बनाता हूँ. ये लग रहा है कि ये इंडस्ट्री तो टर्न डाउन होने वाली है. और मैंने एक टीवी में बोला था 4-5 दिन पहले, वो आपको मैं वापस थोड़ा सा ये बोल बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जो पुराना एथलीट और या कोई पुराना बहुत मजबूत आदमी और या पुराना एथलीट जिसने अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड कोई जिसने अपना बनाया है, समझिए 100 मीटर रेस दौड़ा 8.33 सेकंड में या जो भी है, उसमें एक रिकॉर्ड बनाया उसने उस आदमी ने, उसके बाद में फिर जीवन है, उसके बाद में वो बीमार पड़ता है. तो जब वो बीमार पड़ता है, जिसने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आदमी बीमार पड़ता है, तो मैं उसको अपने रेडार पर रख लेता हूँ. मेरे को लग रहा है कि इसने एक बार अगर ये बुलदा हिट किया है तो शायद दूसरी बार हिट करे. तो मैं ऐसे इंडस्ट्री को या ऐसे मैनेजमेंट को या ऐसे आदमी को उसको मेरे रेडार पर रखता हूँ और उस पर ध्यान लगाता हूँ कि ये वापस दौड़ने के लिए कब खड़ा होगा. फैंटास्टिक. और जब मेरे को लगता है कि वापस दौड़ने के लिए खड़ा होगा और ये वापस ओलंपिक में दौड़ेगा, तो उसके लिए 2 चीज जरूरी है, ओलंपिक का आयोजन जरूरी है और उस एथलीट का उसमें पार्टिसिपेशन करने की तैयारी जरूरी है. तो मैं दोनों चीजों को मिलाने की चेष्टा करता हूँ कि वापस सीजन कब आएगा इसका, ये फूल वापस कब खिलने वाले हैं और उसमें ये आदमी वापस दौड़ पाएगा या नहीं दौड़ पाएगा, इसकी तैयारी क्या है, इसने अपने खराबी के दिन कैसे गुजारे, ये जो 10 साल का जो 14 साल का वनवास था उसमें आदमी ने क्या क्या किया, तो वो दिमाग में रहता है मेरे को. उसके लिए मेरे को उस समय खोजने की जरूरत नहीं, ग्रोसली दिमाग में रहता है क्योंकि मेरा धंधा यही है, दूसरा कोई काम नहीं है मेरे, तो किरदार गोपाल दूसरों ना कोई.
तो उस तरीके से मैं उस बीमार आदमी को पकड़ता हूँ, जब मेरे को लगता है टर्न अराउंड हो रहा है तो मैं उस पर इस समय जो मेरे पास में पैसे होते हैं वो उस पर मैं लगा लेता हूँ। Very nice statement, Vijay ji. So that means after ideas coming based on your experience, based on your reading, and based on certain companies which you are keeping track of, it is absolute, I think, God-given gift, one may say, the talent to have out of thin air to find an idea like that. But some jo soch liya aapne apne dimag mein idea aa gaya, jaise ki sir aasan mein se ya tum auto hai teja se. But ab uske baad kya karte hain? Means you, how do you start the research process? Means aapko kuch idea, you may having 10, 15, 20 ideas in a week, in a day, but then you start, how do you start the process of researching it and then coming to a decision ki why is me mere ko abhi khareedna hai? Uske liye main aisa karta hu, jaise maine bataya ki agar wo aadmi agar athlete agar ek baar apna record banaya hai to uska record data mein hai, to wo record to mera data mein rehta hai aur main zyada jab usme invest karta hu to जनरली जो भी कंपनियां जो रहती है उनका ROC, ROE, RR और PSD और MSC वो सब बकवास रहता है। बीमार आदमी का लेबोरेटरी टेस्ट कराओगे तो वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ावा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल उधर मिलेगा और ये वो सारा उसका पूरा लेबोरेटरी का रिपोर्ट ऐसा मिलेगा, बोलेंगे तो पता मर जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ मरने के टाइम पे जब ये नहीं मरा तो अभी आप क्या मरने मारे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने पटेल इंजीनियरिंग लिया है, उससे शायद आपको समझ में आएगा या मेरे को सुविधा होगी आपको बताने में। ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, 15 रुपया वा सिर्फ 55 रुपया कल लेने जाओगे मैं ठोक दूंगा। ध्यान में रखना, 22 रुपये है। मैं क्यों लिया मैं बताता हूँ। 2003 से लेकर 2007 के अंदर में मदर ऑफ द बुल मार्केट बहुत रेयर, राइट। एक मेरा कोट भी है, मेरे को पीछे कोट बहुत याद आते हैं कि ऑल द मदर एंड फादर ऑफ ऑल द बुल मार्केट आर फॉलोड बाय मदर एंड फादर ऑफ बेयर मार्केट। तो ये सृष्टि का नियम है। यहाँ पे क्राइसिस के बाद में जो नीचे हुआ उसके बाद में भी देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सृष्टि का नियम है। तो अब जैसे पटेल इंजीनियरिंग मैंने लिया, तो 2003 से लेकर जो 2007 के अंदर में जो इंडिया का जो बूम आया वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीड बूम था। उसके अंदर ACC, VSCC और क्या क्या 50 कंपनियां सी, 100-150 सब कॉन्ट्रैक्टर थे। हैदराबाद के अंदर में आप ये समझ लीजिए कि जो चिकन भी बेचता था वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम लिख दिया था यहाँ पर, चिकन इंफ्रा लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल। इतनी हजारों या सैकड़ों कंपनियां आई और ये देख लिया, सबको फ्री में लोन भी मिल गया, सबने अनाप शनाप लोन भी ले लिया। और 2011-12 तक आते आते सब कंपनियां खत्म हो गई, 99% कंपनियां NCLT में चली गई और वो कंपनियां साफ हो गई। ACC जैसी कंपनी जिसने आपका सीलिंग बनाया वो भी बेचारी चाहे लवाजा के चक्कर, और सबका एक सेट पैटर्न मिलेगा आपको। JP इंफ्रा ने वो आगरा वाला बनाया लेकिन बाद में पावर में इतना पैसा लगा दिया किसी ने, रियल इस्टेट में। इनके सबकी कहानी एक है, इनका इतना बड़ा लिक्विडिटी थी, पैसे इतने इनको मिलते थे कि उनको लगा कि अब तो वो बोलते ना बम्बई का राजा कौन, भीखो मात्रे। भीखो मात्रे हो गया तो पूरा इंडिया खरीदने वाले हैं लोग। तो उन्होंने सब रियल इस्टेट पर लगा दिया, अनाप सुनाम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर लिया। ये सब कर एक पैटर्न है लोग, और वो कंपनियां सब साफ हो गई। तो ये अब ये क्या हो गया, 14 साल का वनवास था, ये 8 में कंपनियां खत्म हो गई, 8 में कंपनियों का डाउनफॉल चालू हुआ। बाद में पॉलिटिकल ये था वो था, फिर NCLT में चली गई, ये गई वो गई, आपको सबको मालूम है। वो 20 तक समझिए सब कंपनियां साफ। अब उसके बाद में गवर्नमेंट रोज बोले कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का। लास्ट बजट में 10 ट्रिलियन रुपीज का उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग इंफ्रा पे खर्चा करेंगे, और 4-5 साल से लोग बोलते जा रहे हैं हम लोग इंफ्रा पे खर्चा करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो टर्न अराउंड करेगा, क्योंकि बिना इंफ्रा के टर्न अराउंड के इंडिया का इतना बड़ा जो आप ये बोल रहे हैं GDP हो जाएगा वो हो ही नहीं सकता है। बोलिए गडकरी जी, उन्होंने मेरे अतुल उद्योग के इलेक्ट्रिक का उद्घाटन किया था, उन्होंने बाइक मार्केटिंग कर रहा हूँ अतुल। तो गडकरी जी ने पार्लियामेंट में बोलता है कि मैं शपथ लेकर बोलता हूँ, उनका वर्ड सुनना, तो मैं दिन भर ये छुछुंदर गिर करते रहता हूँ, ये सब इंटरव्यू देते रहता हूँ और ये सब न्यूज पढ़ते रहता हूँ। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि मैं शपथ लेकर बोलता हूँ 2025-26 तक इंडिया की जो रोड है वो US के जैसे हो जाए।
कि ऑन रिकॉर्ड है ये एंड यू आर सीइंग दैट आल्सो बराबर लालू जी बोले थे हां माने के गाल गई ऐसी हो जाएगी तो मालूम नहीं उसका तो क्या हुआ लेकिन ये कतकरी जी का खुश है तो ये सब चीजें दिमाग में मेरे बैठ जाती है जब कोई आदमी ऐसा बोलता है और पार्लियामेंट में बोलता है कोई चुनावी रैली में बोले तो अपने आप को इग्नोर करते हैं तो मैंने सब ये डॉट मिलाया कि इंडिया के अंदर में ये वापस इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम के बिना इंडिया बन नहीं सकता है तो ये मेरे रडार में था पटेल इंजीनियरिंग अब ये बात आ गया कि एथलीट और या जो बढ़िया हेल्दी आदमी बीमार पड़ा अब आपने बोला कि उसको ढूंढा कैसे उसके बाद में तो मैंने देखा कि ये एक ही कंपनी ऐसी है पटेल इंजीनियरिंग और जबकि वो चाहे उसमें आप जिसने ओटीएस भी किया इस कंपनी ने 800 रुपए का भाव था उसका चार्ट अगर गलत होगा मालूम नहीं लेकिन मैंने देखा 800 रुपए का भाव था 2008 में 800 रुपए वाला शेयर 8 रुपया हो गया तो 792 रुपए साफ हो गया अब 8 रुपए में बच्चे की जान लग रही है अब क्या करूंगा मैं इस 8 में आज ही डूबने वाला है जो बेचारा 800 मिलिया उसका तो 792 गया तो मैंने 15 रुपए में शेयर लिया क्यों लिया तो इसका ये कि ये ऐसी कंपनी मेरे को दिखाई थी जो उस समय लीडर था 2003 और 2007 के अंदर में लीडर था वाटर प्रोजेक्ट्स वाज बिग फॉर इंडिया और उसके बिना इंडिया के पावर प्लांट का हाइड्रो प्रोजेक्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते उस कंपनी का वो ऐसे ऐसे सेंसिटिव जगह में जाकर टनल बनाता है जिसके अंदर साइनियर है और पावर में जो पाइनियर है उसके बिना इमेजिन जैसे इंडिया को लार्सन टूब्रो के बिना इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इमेजिन नहीं कर सकते लेकिन हर काम लार्सन टूब्रो नहीं कर सकता आपको बाद में वो सब कॉन्क्रीट करता है या ये लोग ये भी करके काम करते हैं कि अभी मेरा टनल में है तो मैं टनल बनाऊंगा तुम ये बनाओगे तुम वो बनाओगे तो मेरे को मैंने सिंपली ये देखा कि सर कि ये कंपनी जो है अभी तक टिकी हुई है अभी तक ये मिटी नहीं रही है कंपनी नहीं तो अभी तक खत्म हो जाती और इसने ओटीएस नहीं किया इसका बैंक का इसका कोई सेटलमेंट नहीं किया बैंक और मजे की बात यह है मेरा ध्यान गया 13 रुपया के अंदर और टीवी पे आकर बोलता है कि मेरे पास 20,000 करोड़ का ऑर्डर और टीवी पर आकर आदमी ये बात बोलता है कि मेरे पास 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक और 1,000 करोड़ का मार्केट कैसे यार नो ब्रेनर कि 1,000 करोड़ का मार्केट क्या और 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक और वो बोलता है मैं 2,00,000 करोड़ का जो वो है उसको मैं सर्व कर रहा हूँ तो 2,000 करोड़ की जो पोटेंशियल थी उसके अंदर मैं सर्व कर रहा हूँ मैंने बोला अभी क्या इसके अंदर में क्या देखने का भाई इसके अंदर तो फिर जो मिला तो वो शेयर लिया बाद में तो ये मैं इस तरह ये देखता हूँ अगर वो कंपनी समझिए एनसीएलटी में होती जैसे अब दूसरी बात और भी है अभी और भी कुछ कंपनियां जो एनसीएलटी में थी मैं उनको नहीं सुनता हूँ जो जिनका समझिए कि जिनका बैलेंस शीट पूरा ही खत्म हो गया हो तो मेरे को और मेरे पास में चॉइस है तो मैं फिर क्यों नहीं उसको चुनो जिसका बैलेंस शीट कंफर्टेबल तो इस तरीके से मैंने प्रयत्न सो वेरी नाइस दिस एंड आई थिंक वी ऑल गॉट हाउ वी गॉट टू कटिंग इंजीनियरिंग तो अभी एक और आप राज हमको बताइए कि आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर दिया पटेल है सेरा सरमित से पंजाब ट्रैक्टर से अतुल है तो आपकी बाइंग स्ट्रेटजी क्या रहती है मतलब यू बाय ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और यू जस्ट ट्राई एवरेज एज इट गोज अप एवरेज एज इट गोज डाउन बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको आइडिया आ गया आपने रिसर्च कर दिया कि आपको आपने कन्वेक्शन भी बिल्ड कर दिया कि आप खरीदना है फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं व्हाट इज बीन द सेट बिकॉज इट इज नॉट जस्ट आइडेंटिफाइंग यू हैव टू एक्चुअली बाय यू हैव टू होल्ड एंड देन यू हैव टू सेल सो How do you actually buy the stock? You buy it one shot or what? What is your strategy? मेरे को उसपे फिर मैं थोड़ा सा मेरा animal spirit आ जाता है उसके अंदर। हाँ, वो हमेशा कुछ बोलते हैं ना काले कुत्ते टॉप दौड़ने लगे। दिमाग में तो मेरे दिमाग में एकदम कुत्ते दौड़ने लगा। मेरे को लगता है जितना शेयर मिलता है उतने साफ करता है जितना मेले में भी जितना लेकिन अब कुछ होता नहीं है लिमिटेड है रुपया आपके पास में अगर 1,00,000 करोड़ भी हो तब भी लिमिटेड रुपया है तो क्या आइडिया बहुत है यहाँ पे तो उस समय मैं ये क्या करता हूँ पहले तो मैं देखता हूँ मेरे पास लिक्विडिटी क्या है सपोज मेरे पास में 1 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है तो मैं तो दूसरे दिन 1 करोड़ रुपया ले लूंगा सुपर साफ करने वाले दिमाग में रहता है एकदम सर्किट लगा कर तोड़ फोड़ कर देने का मेरे को रात को नींद नहीं आती मैं आपको सच बताता हूँ सपोज अगर मेरे पास में बैंक में रुपया हो और मेरे पास में आइडिया और मैंने शेयर नहीं लिया हो कि वो बढ़ गया 10% मेरे को रात को नींद नहीं आती मेरे को लगता कल क्या होगा ये तो निकल जाएगा हाथ से तो मैं उसमें मेरे को परेशानी हो जाती है रुपया रहने से मेरे को तो मेरे पास दो चीजें जितना रुपया मेरे पास उस समय रहता है वो मैं ले देता हूँ उसका मैं ले देता हूँ जितना रुपया मैं इधर उधर के जो मेरे शेयर जिनमें मेरी परसेंटेज नहीं है एक मेरे को दिमाग में ये भी रहता है कि अगर सपोज मेरे अगर वो 1% नहीं है मेरे पास समझिए 0.5% है या 0.75 है या 0.25 है या छोटा मोटा है तो मैं उनको भी सल्टा के दे लेता हूँ
तो मेरे को मेरे लिए वो आया एक मेरे लिए होल्ड करने का एक समझ ही रहता कि मेरे पास में इतना पटेंट है, मेरे को खुशी होती है मेरे पास कि मेरे एक साइजेबल है मेरे पास, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और मैं ऐसे ऐसा भी करता हूँ कि अगर 15 रुपये के बाद मैंने 250 रुपये में लिए मैंने पट्टी, क्योंकि मिला नहीं शेयर तो 20 रुपये में छोड़ दिया कि अरे ये तो हाथ से निकल 15 का 20 हो गया, मैंने लेने आए दूसरे दिन 21,000 रुपये मेरे मन में लगता है बापरे बाप ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये ऐसा है कि आपको जैसे अगर एक पैक आपको दारू पीनी और आधी पियो तो बोले छोड़ दे अभी भी ट्राई हो गया तो आप बोले तू जा सेल लेने के लिए मैंने पीने लग गया। तो मेरे के दांतों का जैसे वैसा नशा है, मेरे को एडिक्शन है समझिए, चाहे आप उसको चरस का नशा बोलो वीड्स बोलो या जो भी बोलो एडिक्शन है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम है, तो उस समय जितना रुपया हो इतनी अवेलेबिलिटी हो उतना मैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट आपने आपको आइडिया आ गया, आपने खरीदना भी चालू कर दिया, तब तक यू आर नॉट मीटिंग द मैनेजमेंट आल्सो। आई मीन मैं भाई मैनेजमेंट से नहीं मिलता हूं आपको सही। हां मैंने मैनेजमेंट खुद को नहीं मालूम वो क्या बनने वाला खुद को नहीं मालूम क्या बनने वाला है। आप एंजेंद्रा के सामने बैठे हुए तो विजन आपको बताएगा, उसके पास टीम है वैसे आती है, एक 2-4 हज़ार करोड़ की कंपनी उसको क्या मालूम है उसके पास कौन से 5 करोड़ का सीईओ रख कर उसको वो पगार देने वाला है, अपने चाचा के लड़के को रख लेगा, सारे के दोस्त को रख लेगा, अपने ड्राइवर को सीएफओ बना देगा कि सैलरी इंतजाम नहीं है। उस आदमी को क्या दिक्कत होगा, उसको खुद को दूसरा क्या ना बोलना चाहता हूँ मैं, कोई कमेंट से नहीं बोल रहा हूँ भाई। वो जो किताब पढ़ता होगा, वो जो न्यूज पढ़ता होगा, वो जो जर्नल पढ़ता होगा, जर्नल तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये तो खाली आपको विश्वास करने का बात है ना कि इंडिया 2047 के अंदर में $30 trillion का इकोनॉमी होगा या नहीं होगा, किसके पास में डेटा है ये विश्वास का बात है, मैं मानता हूं ऐसा होगा, आप विश्वास करते हो उस पर आपको कन्विक्शन है, उसके ऊपर फिर आप अपना स्टेक लगा के। तो मैनेजमेंट से मिलकर मेरे लाइफ के ऐसे ऐसे मेरे पास भी अनुभव है, एक अनुभव के लिए आपको बता देता हूं। मैं सैलरी लिया 2004-05 के अंदर में 3-4 टका ले लिया मैंने, और कोई मैनेजमेंट उन्होंने से मिलने का नहीं है, क्योंकि अपने से मैनेजमेंट खुद मिलने मिलेगा लेकिन ये टपोरी से क्या मिलने का है, वो अभी शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिल ले पहले तो आपको मिलता ही नहीं कि क्या मिलने गया है, तो अपने को तो ऐसे लगता है जा भाई तू मैनेजमेंट तेरे घर में, मेरी बीवी बोलती है मेरा मैनेजर ये है, पर अपने को वो सीधा सही आई यार अभी ये तो रिकॉर्ड कर रहा है तो चलो ठीक है भाई मैनेजमेंट से नहीं मिलने। So he has his own innovative style, which and a lot of words of wisdom over here. So let's move on ahead in this journey. So आपने करी क्या? वो 3% बिना मैनेजमेंट को मिले, आपने कन्विक्शन बिल्ड कर दिया। After that आप कैसे उसको मॉनिटर करते हैं? मतलब आप आपको क्या? How do you keep the conviction going? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपने शेयर खरीद लिए, थोड़ा बढ़ भी गया घट गया, लेकिन कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज भी आ जाते हैं, 2-3 खराब क्वार्टर आ जाते हैं या कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है मार्केट में या इंडस्ट्री में, तो हाउ डू यू स्टिल कीप द फेथ? आई मीन व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ व्हेन यू सी द फर्स्ट फ्लो ऑफ नेगेटिव न्यूज और समथिंग? लेकिन नेगेटिव न्यूज तो आती रहेगी, वो तो चलता रहेगा, वो तो मैंने बताया ना जीवन चक्र है, बहुत मजबूत से मजबूत आती भी, कभी सर्दी होती है, कभी खांसी होती है, कभी वायरल होता है, कभी बुखार होता है, वो सब तो चलता रहेगा। मैंने एक चीज लाइफ में सीखा है कि अगर आपका विजन अगर आपका बड़ा होता है ना, आपको जैसे आपका समझे विजन आपका लंबा है, जैसे अगर आप मैराथन अगर दौड़ रहे हैं अगर आप, तो छोटी मोटी बातें आपको फर्क नहीं पड़ेगी कि आप अभी आप पीछे हो या जो मैराथन जो दौड़ने वाला आदमी ना वो शुरुआत करेगा तो 40 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दौड़ रहा है, कहने का मतलब वो एक पेस लगा के दौड़ रहा है। तो एक तो ये है कि अगर आप लंबा विजन रखते हो तो बीच में ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कभी रिसेशन आ गया, कभी डिफ्लेशन आ गया, कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी इंटरेस्ट रेट पड़ गई, कभी भाई ने कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, जैसे मेरा गाना भी है कभी DI कभी FI इन्फ्लेशन कभी तेल कभी डॉलर कोई बात नहीं। तो ये बीच बीच में ये सब आते रहते हैं कि तो मेरा विजन जब लंबा होता है तो मेरे को नितिन भाई इस चीज का परवाह नहीं होता है कि आइए बीच के अंदर में ये कभी इसमें, और वो होता रहता है। दूसरा एक चीज मैंने नोटिस किया है, जब आप जैसे मैंने बोला कि बीमार आदमी जब वापस टर्न अराउंड होता है, जब बीमार आदमी वापस अपनी ग्लोरी के लिए तैयारी करता है, आप जनरली देखोगे जब टर्न अराउंड होती है कंपनी या जो सेक्टर जब टर्न अराउंड होता है
क्योंकि ऑलरेडी 12 साल वो सफर कर चुका है, कोई भी इंडस्ट्री समझिए 12 साल 10 साल 8 साल एक पूरा जो सफर कर चुकी है, और उसके बाद में जो उसको पीरियड मिलने वाला है ना, तो वो एक गोल्डन पीरियड होता है। जैसे बताया इस मैडम ने या किसने कि हाई टॉप हाई बॉटम, ये हर चीज में लाइफ में भी ऐसा ही होता है, एब्सोल्युटली ये सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि इकोनॉमी अगर 1 ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन हो गई है, तो सपोज पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का मार्केट समझो 500 बिलियन का था, तो वो भी उसी रेशियो में बढ़ने वाला, उससे ज्यादा रेशियो में बढ़ने वाला। तो जब वो टर्नराउंड होता है तो उसको स्ट्रेट लाइन मिलती है 3 साल की 4 साल की 5 साल की। आज से 20 साल पहले जो साइकिल होते थे वो 1-2 साल के होते थे, समझिए 1980s 1990s के अंदर में जो साइकिल आते थे इंडस्ट्रियों के अंदर में वो शॉर्ट साइकिल आते थे। मैंने टीवी पे कई बार बोला कि 2003 के बाद में इंडिया में ड्रामेटिक चेंज हो गया, साइकिल लंबे हो गया, बुल मार्केट भी इसीलिए लंबा हो गया। 2003 के पहले 18 महीने में बुल मार्केट से बढ़ जाता था, हर 3-4 साल मंदी आ जाती, मंदी आ जाती। 3 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ 3-4-5-6-7-5 साल स्टेट आपको बोल बीच में ही कब सा है, लेकिन बुल मार्केट का और जो मंदी आई लेमन ब्रदर्स की वो 18 महीने में खत्म हो गई। उसका टॉप और बॉटम जो देखेंगे तो 7500 मेरे को ध्यान नहीं जो पता था, वो 9 महीने में बन के वहीं से मार्केट घूम गया। इसका मतलब स्ट्रक्चरली इंडिया के अंदर में चेंज हो गया कि बुल मार्केट बिगड़ होने लगे, मतलब इकोनॉमी के साइकिल बिगड़ होने लगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जब वो टर्नराउंड होता है साइकिल आता है तो मेरे को 3-4-5 साल स्ट्रेट मिलते। और मैं कभी जैसे मैंने कल भी एक टीवी में बोला कि मैं चेष्टा ऐसी करता हूँ कि जो ट्रेन चर्चगेट से चालू हो रही है समझिए विराट जाने वाली है, तो मैं चर्चगेट में उसमें बैठने की चेष्टा करता हूँ या बॉम्बे सेंट्रल में बैठने की चेष्टा करता हूँ। मैं विराट पहुंचने वाली ट्रेन के अंदर में दही सब जाकर नहीं बैठूंगा कि उसका कष्ट निकल गया 20%। Don't forget to like and subscribe.